मेरे एक मुरीद और हैं, रफीक आखिरी उनका नाम है, शायद यहां जलसे में मौजूद है या नहीं, मुझे इल्म नहीं है। रफीक आखिरी जुमतुल वदा के दिन मेरी मस्जिद में जहां मैं खिताबत करता हूं आए और कहा, हजरत मैंने ख्वाब देखा है। मैंने कहा, मस्जिद में खड़े होकर बयान कर रहे हैं, जुमतुल वदा रमजान का महीना। मैंने कहा, क्या ख्वाब देखा आपने? कहा, आप आका की बारगाह में हैं और आप ऐलान कर रहे हैं कि चलो लोगों, रसूलुल्लाह का दीदार करने चलो। आप ऐलान कर रहे हैं, मैं वहां मौजूद हूं। उसके बाद मेरी नींद टूट गई। मैंने कहा, इंशाल्लाह अभी आप मदीने शरीफ तक पहुंचे हैं, इंशाल्लाह निस्बत आपकी मजबूत हो जाएगी तो मदीने वाले आका तक भी रसाई हो जाएगी। यही अल्फाज फकीर की जबान से निकले। अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले इरादत में दाखिल हुए। आने वाले साल वही जुमतुल वदा, जुमतुल वदा है। कसम अल्लाह की मैं गवाही दिला सकता हूं रफीक आदरी साहब से, जुमतुल वदा ही की शब है। ठीक एक साल पहले उन्होंने मुरीद हुए और एक साल के बाद फिर ख्वाब देखते हैं। क्या ख्वाब देखते हैं? कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा फरमा है और ये वहां पर मौजूद हैं, सरकार के दस्ते मुबारक का बोसा ले रहे हैं, सरकार के कदम पाक का बोसा ले रहे हैं और ये कह रहे हैं, सरकार मैं आपके कदम पाक को चूम रहा हूं और मेरे पीरों मुर्शिद के मैं घुटनों को चूमता हूं, घुटनों को मेरे पीर के चूमता हूं और आपके कदमों को चूम रहा हूं। तो मेरे सरकार ने उनसे फरमाया, जा तेरा पीर भी कामयाब है, तू भी कामयाब है। Yes, Allah. 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 Y